Hello everyone. We are doing chapter number four, Animal Kingdom. This is the third video of the chapter, Class Eleventh Biology. We are going to cover the topics Hemichordata and Chordata. Phylum Hemichordata. Hemichordata was earlier considered as a सब फाइलम ऑफ कॉडेटा वाई वाई वी कंसिडर्ड द हैमिकॉडेटा एज अ सब फाइलम ऑफ कॉडेटा बिकॉज दे हैव गॉट द गिल स्लिट्स, बट नाउ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉडेटा बिकॉज दे हैव गॉट मैनी डिफरेंट कैरेक्टर्स अब इसको हैमिकॉडेटा को कॉडेटा के साथ इंक्लूड नहीं किया गया because it has got certain different characters from that of chordata what are the characteristic features of the hemichordata first they have got the organ system of organization the body has got many different organ system present in hemichordata second they have got the bilateral symmetry the body can be divided into two हावस लेफ्ट एंड राइट दे हैव गॉट द थ्री जर्म लेयर्स ट्रिप्लो ब्लास्टिक ये ऑलरेडी हम बहुत बार देख चुके हैं किंगडम एनिमल किंगडम के अंदर द बॉडी हैज गॉट थ्री लेयर्स एक्टोडम मिजोडम एंड एंड्रोडम एंड ऑल द बॉडी पार्टस आर मेड फ्रॉम दीज थ्री लेयर्स दे हैव गॉट द ट्र्यू सिलोम They are coelomate, means the coelom is lined by mesoderm on both the sides. Habit and habitat, they are exclusively marine animals. Digestive system is complete, means they have got two openings one is mouth, one is anus. The, the digestive system is complete. Respiration is by means of gills. Circulatory system is open, blood is not flowing in the closed vessels. So, it is an open type of circulatory system in hemichordata. Reproduction, they are dioecious, means sexes are separate. Fertilization is external outside the body of female fertilization hoga and development is indirect means there is a larval stage in between. What are the unique features of phylum Hemichordata? They are worm like cylindrical body formed of anterior proboscis, a collar and a trunk. So, body has three parts. प्रोबोस है कॉलर है और ट्रंक है एंड देर इज अ स्टोमोकॉड इन द कॉलर रीजन वॉट इज स्टोमोकॉड ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ नोटोकॉड नोटोकॉड से मिलता जुलता है रूडिमेंट्री है नॉन फंक्शनल है एंड एक्सक्रीशन इज बाय ग्लैंड कॉल्ड प्रोबोसिस प्रोबोसिस ग्लैंड आर देयर विच एक्सक्रीट द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडी examples of hemichordata are belenoglossus and sacoglossus. these are the two examples of hemichordata come to phylum chordata phylum chordata has got three important features three important first they have got the notochord second they have got the dorsal tubular nerve cord and थर्ड दे हैव गॉट द फेरिंज गिल स्लिट्स ये देखिए डायग्राम में तीनों पार्ट है इसमें नर्व कॉर्ड है नोटोकॉर्ड है एंड गिल स्लिट्स हैं ओके सो नोटोकॉर्ड इज फ्लेक्सिबल रॉड लोकेटेड इन द मिड डॉसल लाइन बिटवीन एलिमेंट्री केनाल एंड नर्व कॉर्ड इन द एम्ब्रियो एम्ब्रियो के अंदर एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में नोटोकॉड प्रेजेंट होता है वॉट आर द डिफ्रेंसिस बिटवीन द कॉडेटा एंड द नॉन कॉडेटा कॉडेटा नोटोकॉड इज फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ये क्लियर है एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉड जरूर होगा बट नोटोकॉर्ड इज एबसेंट इन नॉन कॉडेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है विच इज डॉर्सल डॉर्सली लोकेटेड है हॉलो है एंड सिंगल है इन नॉन कॉर्डेटा इट इज वेंट्रल वेंट्रली लोकेटेड है सॉलिड है एंड डबल है फेरेंजियल गिल्सलेट्स आर प्रेजेंट इन कॉर्डेटा वेरी इंपॉर्टेंट ये फेरेंजियल गिल्सलेट्स जो कुछ ऑर्गेनिज्म में गिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स में लेटर ऑन दे चेंजेस इनटू द लंग्स They are absent in the non cordata. Heart is ventral in chordata. Heart is dorsal. If at all it is present, it is dorsal. Post anal part, tail is present. Cordata me tail present hota hai. Post anal part. But in non chordata, it is absent. What are the three subphylum of phylum chordata? सब फाइलम वन यूरोडेटा टू सिफेलोकॉडेटा थ्री वर्टिब्रेटा यूरो मीन्स टेल समथिंग रिलेटेड विद द टेल कुछ कैरेक्टर होगा जो टेल से रिलेटेड होगा सिफेलो मींस हेड रीजन तो कैरेक्टर होगा कुछ जो हैड से रिलेटेड होगा एंड वर्टिब्रेटा दे हैव गॉट द बोन्स फर्स्ट सी द यूरोडेटा फर्स्ट कैरेक्टर नोटोकॉड प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल लार्वल स्टेज पर ही टेल वाले पार्ट में ही नोटोकॉड प्रेजेंट होता है दैट्स ऑल बॉडी इज कवर्ड बाय अ टेस्ट मेडअप ऑफ ट्यूनिसिन दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन समुद्र में रहते हैं दे आर हर मेफ्रोडाइट मीन्स बोथ सेक्सेज आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल एग्जाम्पल है एस्कीडिया सेल्पा एंड डोलियोलम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा सिफेलोकॉडेटा नोटोकॉड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल रीजन सिफेलो मीन हेड तो यहां देखिए नोटोकॉड जो है वो हेड से स्टार्ट होता है और टेल तक होता है और थ्रू आउट लाइफ रहता है यूरोकॉर्डेटा में लार्वल स्टेज में नोटोकॉड था यहां पर जो नोटोकॉड है वो थ्रू आउट लाइफ रहता है बॉडी इज फिश लाइक

और लेटर ऑन इन एडल्ट क्या होगा इट विल चेंज इन टू कार्टिलेजनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा ये दैट्स वाई द नेम वर्टिब्रेटा हार्ट इज वेंट्रल एंड मस्कुलर किडनीज प्रेजेंट होती हैं एक्सक्रीशन के लिए वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एंड दे हैव गॉट द पेयर्ड अपडिजेज फिंस एंड लिम्स पेयर्ड में होते हैं now come to subphylum vertebrata subphylum vertebrata is divided into two agnetha and gnathostomata according to the presence of jaw or absence of jaw if the jaw is not present they are called agnatha if they have the jaws they are called as gnathostomata agnatha has got only one class that is cyclostomata and a gnathostomata have got two superclasses. One having fins called pisces, which my fishes are hain and one which is having limbs. They are tetrapods. Tetra means four. Two forelimbs, two hind limbs. Superclass pisces have got two classes: chondrichthyes and osteichthyes. While the tetrapoda has four classes: amphibians, reptiles, apes, and mammals. लेटस्ट स्टडी दैम वन बाय वन साइक्लोस्टोमेटा दे आर एक ने था जॉलेस है जॉ नहीं है इनमें दे आर एक्टो पैरासाइड लिविंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ फिश देखिये यहां पर डायग्राम में दे आर एक्टो पैरासाइड लिविंग ऑन द बॉडी ऑफ द फिश आउटसाइड बॉडी इज इलागेटेड विथ विदाउट स्केल्स एंड पेयर्ड फिंस गिल्स देखिए कितने हैं गिल्सलेट्स देखिए यहां पर सिक्स टू फिफ्टीन पेयर्स नीचे वाला डायग्राम देखिए गिल्स बने हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट गिल्स आर देयर सिक्स टू फिफ्टीन पेयर्स हो सकते हैं इनमें एंड माउथ इज सकिंग टाइप क्योंकि इनको एक्टोपेरासाइट है दे हैव गॉट द सकिंग टाइप ऑफ माउथ विदाउट जॉ कार्टिलेजिनस क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेलेजनस है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है मीन्स ब्लड इज फ्लोइंग इन टू द ब्लड वेसल्स आर्ट्रीज हैं वेन्स हैं वेसल्स हैं दे आर मेराइन एंड मोर ओवर दे माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर जब उनका एग्लिंग पीरियड होता है दे मूव फ्रॉम मेराइन एनवायरमेंट टू फ्रेश वॉटर और आफ्टर दैट दे डाई स्पॉनिंग के बाद वो मर जाते हैं लेकिन उनके जो लार्वी हैं मेटमॉर्फ होने के बाद जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं देन दे रिटर्न बैक टू द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स पेट्रोमाइजोन लैम्परेज एंड माइग्जीन हैक फिश सुपर क्लास स्पाइसिस इट इज डिवाइडेड इंटू टू इट हैज गॉट टू क्लासेज कॉन्ड्रिक एंड ऑस्टिक थाज कॉन्ड्रिक थार कार्टिलेजनस फिशेज ऑस्टिक थाइज आर बोनी फिश लेट एस सी द डिफरेंसेज बिटवीन द टू फर्स्ट डिफरेंस कॉन्ड्रिक थाइज आर मिराइन स्ट्रीम लाइन बॉडी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है जो पॉइंटेड आगे से पॉइंटेड है बीच में से मिडल पोर्शन उसका ब्रॉड है और जो टेल पोर्शन है फिर से पॉइंटेड है लाइक द बोट शेप लाइक अ एरोप्लेन शेप स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप है एंड दे आर प्रिडेशियस प्रिडेटर्स हैं

नेक्स्ट क्लास कॉन्ट्रिक थाज द माउथ इज वेंट्रल नीचे की तरफ माउथ होता है माउथ इज वेंट्रल सीधा डायग्राम दे हैव गॉट द पावरफुल जॉस इन ऑस्ट्रिक थाज द माउथ इज टर्मिनल बिल्कुल कॉर्नर पर टर्मिनल होता है पोजिशन इसकी कॉन्ट्रिक थाइज में गिल लेट्स विदाउट ऑपरकुलम यू कैन सी द ओपन गिल्स गिल्स आप देख सकते हो फर्स्ट डायग्राम में जिसमें गिल्स बिल्कुल क्लियरली हमें दिखाई दे रहे हैं देर इज नो कवरिंग आउटसाइड द गिल्स लेकिन ऑस्टिक थाइस में गिल्स जो है ओपर कुलम एक कवर होता है जिससे वो ढके होते हैं इन इनकॉन्ट्रिक थाइस स्किन हैज गॉट द प्लेकॉइड स्केल्स बॉडी इज कवर्ड बाय द द्लेकॉइड स्केल्स और जो टीथ हैं इनके दे आर नथिंग बट द मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बट इन ऑस्टिक थाइस दे हैव गॉट द स्केल्स द नेम्स ऑफ द स्केल्स आर साइक्लॉइड एंड टीनोइ स्केल्स आर प्रेजेंट इन ऑस्टिक थाइस एंड वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज इन कॉन्ट्रिक थाज नो एयर ब्लैडर एयर ब्लैडर का काम क्या है बायो एनसी में हेल्प कर रहा है अगर फिश थोड़ी देर पानी के ऊपर रहना चाहती है स्टे करना चाहती है विदाउट स्विमिंग तो वो स्टे कर सकती है अगर उसके पास एयर ब्लैडर है बट हैव नो एयर ब्लैडर। तो इसलिए इन फिशेस को क्या करना पड़ता है दे कीप ऑन स्विमिंग अदरवाइज वो क्या होगा वो सिंक हो जाएंगी डूब जाएंगी बल बट इन ऑस्टिक था एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट फॉर बायोनसी नेक्स्ट बोथ द फिशेज कॉन्ड्रिक थाज है चाहे ऑस्टिक बोथ आर कोल्ड ब्लडेड पोइक्लोथर्म्स हैं एंड बोथ हैव गॉट द टू चैम्बर्ड हार्ट दो चैंबर में कौन कौन से दो चैंबर्स हैं वन इज ऑरिकल एंड वन इज वेंट्रिकल ऑरिकल को एट्रियम भी बोलते हैं डायग्राम देख लीजिए आप एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर देयर टू चैम्बर हार्ट इज दे इन फिशेज सेक्सेस आर सेपरेट इन बोथ द केसेज कॉन्ट्रिकाइज एंड ऑस्टिक इन

एंड मोस्टली दे आर ओवी पेरस एगलेइंग है एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विदाउट एनी लार्वल स्टेज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रिक थाज आर डॉग फिश ग्रेट वाइट शार्क सॉफिश स्ट्रिंग रे एंड इलेक्ट्रिक रे स्ट्रिंग रे पॉइजन स्ट्रिंग होता है इसमें और इलेक्ट्रिक रे जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है दे हैव गॉट द इलेक्ट्रिक ऑर्गेंस एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्टिक था मेरी फिशेज के एग्जाम्पल देख लीजिए फ्लाइंग फिश एंड सी हॉर्स दिस इज अर्स बट इट इज नॉट अ हॉर्स सी हॉर्स है इट इज अ फिश यह बहुत बार एग्जाम में आता है एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वॉटर फिशेज लेबियो कतला एंड क्लेरियस एग्जाम्पल ऑफ फिशेज विच कैन बी कैप्ट इन द एक्वेरियम फाइटिंग फिश एंड एंजल फिश नाउ कम टू द क्लास एम्फीबियस एम्फीबियस मीन द एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वॉटर एज वेल एज ऑन लैंड पानी में भी रह सकते हैं लैंड में भी रह सकते हैं बट दे नीड वॉटर फॉर ब्रीडिंग अगर वो लैंड पर रह, रह रहे हैं बट पानी चाहिए उनको फॉर द ब्रीदिंग पर्पज बॉडी हैज हेड एंड ट्रंक सम हैव गॉट द टेल ऑल्सो दे हैव गॉट द मॉइस्ट स्किन स्किन बहुत मॉइस्ड होती है विदाउट स्केल्स होती है सो देट दे केन रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्किन सांस ले सकते हैं वो स्किन से अपने मोस्ट ऑफ देम है टू पेयर ऑफ लिम्प एंड वेरी इंपॉर्टेंट इयर स्टार्ट फ्रॉम टिम्पेनम टिम्पेनम इज अयर ड्रम तो यहां पर कोई एक्सटर्नल ईयर पिन्ना नहीं होता जैसे हमारे पास तो पिन्ना है एक्सटर्नल ईयर है आफ्टर दैट देर इज अ टिपेनम और द इड्रम बट इन एम्फीबियस

आउटसाइड एक कॉमन ओपनिंग है रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स इन लार्वा लार्वी जो है वो गिल्स से सांस लेते हैं बट एडल्ट दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड स्किन सेक्सेस आर सेपरेट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी दे आर एगलिंग ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट मि देव गॉट द लार्वल स्टेज टेडपोल्ड सी द डायग्राम देर इज द टेडपोल

प्रेजेंट देर इन टू पेयर्स लोकोमोशन कैसी है क्रॉलिंग क्रॉल Crawl करते हैं ये एंड अगेन ईयर कहां से स्टार्ट हो रहा है टिम्पेनम से टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर क्लास रेपीलिया दे हैव गॉट द थ्री चैम्बर्ड हार्ट तीन चैम्बर हैं हार्ट के टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल बट कई बार थोड़ा सा वेंट्रिकल जो है पार्शली डिवाइडेड होता है इंटू टू पूरा कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होता बट इन क्रोकोडाइल्स द हार्ट इज फोर चैम्बर्ड टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स फोर चैम्बर्ड हार्ट इन क्रोकोडाइल ये ये भी याद रखिए आप दे आर प्वाइक्लोथम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल है रेस्पिरेशन well लंग्स से होता है फर्टिलाइजेशन इंटरनल है इन साइड द बॉडी एग लेंग है ओवीपेरस डेवलपमेंट इज डायरेक्ट डायरेक्टली दे कन्वर्ट इन टू अडल्ट एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासरेप्टीलिया टर्टल टॉटोइ ट्री लिजर्ड वॉल लिज़र्ड, गार्डन लिजर्ड क्रोकोडाइल एलिगेटर्स some poisonous snakes are cobra crate and viper and non-poisonous snake is python now come to class aves birds birds have the characteristic feature they have got the feathers and beaks or in case of limbs and aage limbs they are modified into wings dry skin without glands but ऑयल ग्लैंड आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल इनके जो हैंडलिम्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड होते हैं फॉर वॉकिंग फॉर स्विमिंग डक्स में जैसे स्विमिंग करते हैं तो उनके लिम्स जो हैंडलिम्ब uh, है वो मॉडिफाइड होते हैं वेब्ड फीट होते हैं उनमें क्लैस्पिंग ट्री के लिए मॉडिफाइड होते हैं ताकि ट्री के ब्रांचेस के ऊपर आसानी से बैठ सके सो so, हैंडलिम्स

हार्ट इज फोर चैम्बर्ड दे आर होम्योथर्म्स वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स हैं ये एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में एडिशनल चैम्बर्स होते हैं दो क्रॉप एंड गिजर्ड सी द डायग्राम ऑफ द बर्ड माउथ से स्टार्ट हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम ईसोफेगस देन द क्रॉप देन द स्टामक देन द गिजर्ड इंटेस्टाइन एंड एनर्स रेस्पिरेशन के लिए क्या है इनके पास स्पेशल दे हैव गॉट द स्पेशल एयर सैक्स कनेक्टेड टू द लंग्स जब ये फ्लाई करते हैं तो दे नीड एक्स्ट्रा एयर और एक्स्ट्रा एयर को स्टोर करने के लिए दे हैव गॉट द एयर सैक्स विच आर अटैच टू द लंग्स सो वेरी इंटरेस्टिंग फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल दे आर एगलिंग ओवीपेर एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट

they have got the memory glands milk producing glands second character skin with hair third they have got two pair of limbs help in walking running climbing burrowing swimming or even flying very special feature external ear pinna is present they can external ear

दे आर फिक्स इन द कैटी एंड दे आर डाइफियोडोंट मीन्स लाइफ में टू टाइम्स टीथ आते हैं रेस्परेशन बाय लंग्स सेक्सेज आर सेपरेट फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल दे आर वी वी पेयरस दे गिव बर्थ टू यंग वंस एक्सेप्ट ए किडना एंड प्लेटिपस इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी एनिमल्स हैं दे आर वी वी पेयरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट Examples of class mammalia are platypus, kangaroo, flying fox, monkey, camel, rat, dog, cat, elephants. So, that's all about the animal kingdom. I hope you must have enjoyed the lesson. Do the test given in the box in the form of MCQ. Subscribe the channel for getting the information about my new video. Thank you for.